मध्य प्रदेश में सियासत के पेन ड्राइव में आज नया ट्विस्ट आ गया है। ये पेन ड्राइव का तमाशा तब से मध्य प्रदेश में अपलोड हो रहा है जब से पूर्व सीएम कमलनाथ ने यह बयान दिया था कि हनी ट्रैप की पेन ड्राइव अब भी उनके पास है। इसके बाद कमलनाथ ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि पेन ड्राइव उनके पास नहीं है बल्कि आपके पास भी है। हालांकि ये यू टर्न किसी काम नहीं आया। कमलनाथ के बयान पर सियासत जमकर हुई, खासतौर से बीजेपी ने इस मामले पर कमलनाथ को जमकर घेरा और कहा कि पेन ड्राइव है तो सबूत दे और अपने आरोप साबित करें। ये सियासी घमासान आपस में जारी था ही कि इस बीच इसमें एसआईटी की एंट्री हो गई। एसआईटी ने कमलनाथ के नाम एक नोटिस जारी किया और लिखा कि एसआईटी हनी ट्रैप से जुड़े भौतिक सबूत लेने आपके निवास आ रही है। ये उम्मीद भी जताई कि उन सभी सबूतों से ऐसे मामलों में जांच में मदद मिलेगी। इसका समय दिया तो 2 जून 12:30। अब जब 2 जून आ चुकी है तो सबकी नज़रें इसी बात पर टिकी थी कि एसआईटी जब कमलनाथ के घर पहुंचेगी तब क्या होगा। पर एसआईटी कमलनाथ के घर पहुंची ही नहीं। दरअसल एसआईटी ने अपने नोटिस में कमलनाथ से नियत समय पर अपने निवास पर ही रहने की अपील की थी, पर कमलनाथ इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, लिहाजा एसआईटी उनके घर नहीं गई। दलील ये है कि जब कमलनाथ घर पर होंगे तभी वे उनके निवास जाएगी। इससे ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि फ़िलहाल पेन ड्राइव का मामला इतना जल्दी ठंडा पड़ने वाला नहीं है।